आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं प्रत्यागामी पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। इस पंप में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्यागामी पंप में एयर वेजल के बारे में। एयर वेजल रेसिप्रोकेटिंग पंप या प्रत्यागामी पंप में क्या होता है, क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये एयर वेजल होता क्या है, है ना, इसकी बनावट किस तरीके से होती है। तो एयर वेजल एक क्या होता है, बंद चैम्बर होता है, ऐसा इस तरीके एक टैंक होता है ना, बंद चैम्बर होता है जिसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर भरा होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाले आधे हिस्से में कंप्रेस्ड एयर रहता है और नीचे वाले हिस्से में जो रहता है वो वाटर भरा रहता है, या जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है पंप के थ्रू वो लिक्विड यहाँ पे फिल रहता है। तो ये क्लोज चैम्बर होता है जो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है ज़्यादातर केस में, है ना। इस क्लोज चैम्बर या बंद जो रिजर्वायर है, एक छोटा सा रिजर्वायर ही रहता है इसमें लिक्विड भरा रहता है। इसके नीचे क्या रहता है, एक छेद रहता है ओपनिंग के लिए, और ये छेद किससे जुड़ा रहता है, ये सक्शन पाइप या डिलीवरी पाइप में जुड़ा रहता है, जहाँ से हो के पानी जो है सक्शन पाइप से इस रिजर्वायर में जा सकता है, या वो पानी इस रिजर्वायर या एयर वेजल से किस में जा सकता है, पाइप में जा सकता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग यहाँ पे रहता है ना। और ये एयर वेजल जो है वो कहाँ पे कनेक्ट रहता है, ठीक है, ये आप रेसिप्रोकेटिंग पाइप में देखेंगे तो जो सक्शन वाल होता है इसके पहले और डिलीवरी वाल के बाद में दो जगह पे ये एयर वेजल को यूज़ किया जाता है। एक एयर वेजल सक्शन पाइप से जुड़ा रहता है और एक वेजल जो है वो डिलीवरी पाइप से जुड़ा रहता है, है ना। सक्शन पाइप में सक्शन वाल के पहले इस वेजल को लगाया जाता है, डिलीवरी पाइप में डिलीवरी वाल के बाद में इस वेजल को लगाया जाता है। ठीक है, तो एक से टैंक ही है जिसमें कंप्रेस एयर भरा रहता है, साथ ही साथ उसमें वाटर भी भरा रहता है या जो भी लिक्विड फ्लोर है वो भरा रहता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एयर वेजल कैसे यूज़ करते, देखिए ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है, पिस्टन और ये कनेक्टिंग रॉड इधर क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर में ये सक्शन पाइप और ये सक्शन वाल्व है, यहाँ पे डिलीवरी पाइप और डिलीवरी वाल्व है। तो ये एक एयर वेजल, देखिए यहाँ पे एयर वेजल इसी के से जुड़ा हुआ है, ये ओपनिंग, इसका ओपनिंग जो है नीचे बॉटम में रहता है एयर वेजल के, है ना, और ये ओपनिंग जो है किससे कनेक्ट है, सेक्शन पाइप से, है ना, ये सेक्शन वाल्व के जस्ट नीचे, और ये एयर वेजल में हाफ में कंप्रेस्ड एयर और हाफ में ये लिक्विड भरा रहता है। वैसे ही एक एयर वेजल जो है वो डिलीवरी पाइप से जुड़ा हुआ है डिलीवरी वाल के बाद में। ठीक है, इस एयर वेजल में हाफ पोर्शन में एयर भरा हुआ है और नीचे जो पोर्शन है वो लिक्विड से फिल्ड है जो इस पंप के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपनिंग से ये डिलीवरी पाइप में कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है एयर वेजल क्या होता है और कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एयर वेजल के कार्य के बारे में, इसका क्या फंक्शन है, क्यों यूज़ किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो पहले हमने डिस्कस किया हुआ था कि सिंगल स्ट्रोक अगर कोई पंप है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो उसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फ्लो होता है, है ना। तो एयर वेजल का यूज़ क्या है, अगर हमने एयर वेजल यूज़ किया हुआ है तो कंटिन्यू सप्लाई होता है लिक्विड का पंप में, और साथ ही साथ एक समान फ्लो रेट से या एक समान विसर्जन से क्या होता है, ये लिक्विड का फ्लो होता है, चाहे वो सक्शन पाइप हो या डिलीवरी पाइप हो, दोनों ही पाइप में एक समान विसर्जन, है ना, और कंटिन्यू विसर्जन हमें प्राप्त होता है। दूसरा इसका कार्य क्या है, जो वेलोसिटी क्या होता है, फ्लूइड का कम ज़्यादा होता है, है ना। ये फ्लूइड का वेलोसिटी कम ज़्यादा क्यों होता है, ये क्रैंक के रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो कम ज़्यादा जो वेलोसिटी होता है या वेग होता है, प्रवाह का वेग, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, एक यूनिफॉर्म रेट करता है या एक्सेलरेशन को रिड्यूस करता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन रिड्यूस करता है मतलब चेंज इन वेग में जो हो रहा है या वेग चेंज हो रहा है उसको कम करता है, मतलब एक समान वेग कर देता है फ्लो का। ठीक है, दूसरा तीसरा कार्य क्या है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड को ये दूर करता है ना,
लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है। इसमें लिक्विड का जो बहाव हो रहा है पाइप से, सक्शन पाइप से, ड्रिलिंग पाइप से, वो टूट जाता है ना, पृथक्करण हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए एयर वेजल का यूज़ करते हैं। इसका और क्या कार्य है, अगर हम एयर वेजल यूज़ कर रहे हैं तो इससे पंप को थोड़ा कम कार्य करना पड़ता है, मतलब पंप द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वाटर या लिक्विड को फ्लो कराने में, पंप करने के लिए, वो वर्क जो है पंप द्वारा कम करना पड़ता है अगर एयर वेजल यूज़ किया गया है। इसके साथ ही साथ क्या कर एयर वेजल यूज़ कर रहे हैं तो पंप को हम हाई स्पीड पे भी यूज़ चला सकते हैं, है ना। हमने डिस्कस किया था अगर हाई स्पीड है तो वहाँ पे क्या होता है, कैविटेशन फॉर्म होता है, सेपरेशन होता है ना। अगर हमने एयर वेजल यूज़ किया है तो पंप को हाई स्पीड पे भी हम चला सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैविटेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सभी काम हैं एयर वेजल यूज़ करने से क्या कार्य करते हैं, क्या इसका फंक्शन है ना। बहुत ही एडवांटेजेस है एयर वेजल अगर किसी रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एयर वेजल काम कैसे करता है, इसकी कार्य विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एयर वेजल दो जगह पे जुड़ा हुआ है, एक सक्शन पाइप पे और एक दूसरा होता है डिलीवरी पाइप पे। सक्शन पाइप पे डिलीवरी वाल के सक्शन वाल के पहले और डिलीवरी पाइप में डिलीवरी वाल के बाद में। तो देखिए, पहले क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सक्शन स्ट्रोक हो रहा है। तो सक्शन स्ट्रोक हो रहा है मतलब ये क्रैंक जो है क्या होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करता है। तो जब 0 से 180 रोटेट कर रहा हो क्रैंक, या इसमें सिलेंडर के अंदर क्या हो, पंप में सक्शन स्ट्रोक हो रहा हो, तो 0 डिग्री से ये 90 डिग्री जब रोटेट करता है, मतलब हाफ सक्शन स्ट्रोक होता है ना, ये सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग और उसके मध्य तक जब ये जाता है पंप, तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी अधिक रहता है। वेलोसिटी अधिक क्यों रहता है, क्योंकि ये पंप का स्पीड ज़्यादा रहता है। और पंप का स्पीड ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि क्रैंक जो रहता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है कि 0 से 90 डिग्री में वो अधिक स्पीड से घूमता है, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक के आरंभ में और सक्शन स्ट्रोक के मध्य तक क्या होता है, ये यहाँ पे जो सक्शन पाइप से वेलोसिटी जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या होता है, औसत वेलोसिटी, औसत वेग से अधिक हो जाता है ना। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे सिलेंडर में अधिक विसर्जन होने लगता है या सप्लाई होने लगता है सक्शन वाल्व से, ठीक है। ये अधिक सप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको अधिक आपको वाटर या लिक्विड चाहिए ताकि वो सिलेंडर में फ्लो हो सके, और यहाँ पे जो अधिक वेग है उसको हम क्या कर सके, औसत वेग के बराबर ला सके। तो इस समय क्या होता है, एयर वेजल में जो वाटर फिल रहता है या लिक्विड फिल रहता है, वो क्या होता है, सक्शन पाइप में प्रवाह होता है। एयर वेजल से लिक्विड किस में फ्लो होता है, सक्शन पाइप में, और सक्शन पाइप में फ्लो होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग के बराबर हो जाती है, और यहाँ पे जितना विसर्जन चाहिए उतना विसर्जन हो जाता है। इस तरीके से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो होने लगता है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी जितना डिस्चार्ज चाहिए उतना भी हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आगे ये क्या होता है, जब ये सक्शन स्ट्रोक आगे बढ़ता है, ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक जब 90 से 180 डिग्री रोटेट करता है, तो इस समय ये क्रैंक के कारण इसकी स्पीड कम होती है या इस पिस्टन की वेलोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सक्शन फ्लूइड है इसका भी वेलोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो औसत वेग से वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वाल्व से जो सप्लाई हो रहा है वाटर, इसका विसर्जन भी कम होता है। तो इस समय जो फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ रहता है इसका वेलोसिटी कम होता है, तो एक्स्ट्रा एडिशनल जो लिक्विड हो कि इसमें फिल हो जाता है इस एयर वेजल में, ताकि यहाँ पे वेलोसिटी औसत वेग के बराबर हो जाए, है ना। और यहाँ पे क्या हो, एक जितना सप्लाई चाहिए उतना हो सके। तो यहाँ पे वेलोसिटी को औसत वेलोसिटी के बराबर लाने के लिए क्या करते हैं, एडिशनल जो वाटर है ये एयर वेजल में फिल हो जाता है सक्शन स्ट्रोक के मध्य से इसके एंड तक का जो स्ट्रोक है उसमें, ठीक है। तो यही पानी जो है फिर फर्स्ट हाफ में काम आता है, ठीक है, जो सप्लाई होता है इसी पानी को सप्लाई किया जाता है जो पहले फर्स्ट हाफ में सप्लाई किया गया था। तो इस तरीके से ये एयर वेजल आपका सेक्शन पाइप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीवरी पाइप में जो
एयर वेजल लगा हुआ है वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो ये 180 तक रोटेट किया, 180 से ये 360 डिग्री जब रोटेट करता है तो पिस्टन ये ओडीसी से आईडीसी की ओर बढ़ने लगता है। तो ये डिलीवरी स्ट्रोक होता है ना, सिंगल स्ट्रोक पंप में या सिंगल एक्टिंग पंप में। ठीक है, तो 180 से 360 जब रोटेट करता है तो 180 से हाफ में, है ना, 180 से 360 के बीच में ये हाफ जब डिलीवरी स्ट्रोक होता है तो डिलीवरी स्ट्रोक के आरंभ और उसके मध्य में ये पिस्टन का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रैंक का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि अधिक वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड डिलीवरी वाल्व में डिलीवरी पाइप से फ्लो हो रहा है इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा और अधिक विसर्जन यहाँ पे फ्लो होगा। तो डिलीवरी पाइप में औसत वेग से अधिक वेलोसिटी हो जाता है ना, जिस इस समय क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो किस में फिलअप हो जाता है, एयर वेजल में फिल हो जाता है और यहाँ पे जो एयर है उसको हाई कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एयर वेजल जब डिलीवरी स्ट्रोक के आरंभ में ऐसा होता है फर्स्ट हाफ में। अब ये जब सेकेंड हाफ आता है डिलीवरी स्ट्रोक का, जब ये सेंटर से आईडीसी तक मूव करता है ना, मतलब ये डिलीवरी वाल का सेकेंड हाफ है, इस समय क्या होता है, ये इसका जो रोटेशन है वो कम रहता है, स्पीड रोटेशन स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड को कम वेलोसिटी से पंप करता है, यहाँ पे डिलीवरी वाल्व में वेलोसिटी कम हो जाता है और विसर्जन भी कम होता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, जो एयर वेजल में पानी या फ्लूइड भरा हुआ है वो डिलीवरी पाइप में सप्लाई करता है और यहाँ पे वेलोसिटी को औसत वेलोसिटी के बराबर कर देता है, विसर्जन को बढ़ा देता है या जितना विसर्जन चाहिए उसके हिसाब से उसको मेंटेन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एयर वेजल क्या करता है, डिलीवरी पाइप में कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एयर वेजल क्या करता है, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में जो पाइप में प्रवाह हो रहा है उसके वेग को यूनिफॉर्म या एक समान कर देता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो विसर्जन हो रहा है उसको भी यूनिफॉर्म करता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्लूइड का सेपरेशन होता है ना लो प्रेशर के कारण, उसको भी ये अवॉइड करता है। तो ये सारे काम ये इस एयर वेजल की सहायता से किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये एयर वेजल का वर्किंग आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।